हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल और आज की इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ टीन एजर स्किन केयर रूटीन तो स्किन केयर में सबसे पहले मैं सुबह उठ के एक गिलास पानी पीती हूँ और ये आपकी स्किन को काफ़ी हाइड्रेटेड रखता है नरिश करता है उसके बाद आई वॉश माई फेस विथ बायोटिक फ्रूट ब्राइटनिंग फेस वॉश तो सबसे पहला स्टेप है फेस वॉश आपको अपने फेस को अच्छे से क्लिन करना है और हमारा जो मेन एम होता है वो होता है क्लिनिंग और हमें अपने फेस पे सोप यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी हार्श होता है हमारी स्किन के लिए और अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही हमें फ़ेस वॉश यूज़ करना चाहिए और फिर क्लीन करने के बाद अच्छे से एक सॉफ्ट टॉवल से अपना फेस पोंछ लें और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये फ़ेस स्क्रब फ्रॉम मिनीसो और ये कुछ वॉलनट का है तो भी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ सेकेंड स्टेप होता है स्क्रब स्क्रब हमें कम से कम वीक में एक बार यूज़ करना चाहिए सो so दैट वो आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हटा दें और जो भी स्किन डैट स्किन है वो भी अच्छे से क्लीन कर दे अच्छे से हटा दे और हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारे स्क्रब के पार्टिकल्स हैं वो जेंटल हो, स्मॉल हो, सो so दैट वो हमारी स्किन को इरिटेट ना करें हमारी स्किन के ऊपर हार्श ना हो मैंने अभी मिनीशो का फेस स्क्रब यूज़ करा है इसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं इसलिए मेरी स्किन मुझे काफ़ी सॉफ्ट लग रही है देन आई यूज़ अ टोनर और आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हैं आप गुलाब जल को भी एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं तो अभी मैं फ़िलहाल गुलाब जल यूज़ कर रही हूँ यू कैन ऑल्सो यूज़ बायोटिक का रोज़ वाटर यू कैन यूज़ इट विद अ काटन पैड और विद योर हैंड्स टू फोर्टी नोज वाटर इज़ गुड एज अ टोनर और ये आपके पोर्स को मिनिमाइज कर देगा मैं यूज़ कर रही हूँ माम अर्थ का फेस सीरम विटामिन सी सीरम इंस्टेंट ग्लो देता है इट इंस्टेंटली ब्राइटन अप योर स्किन एंड मेक्स इट फ्रेश एंड हेल्दी उसके बाद बारी आती है मॉइस्चराइज़र की आप एलोवेरा जेल को भी एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं और पॉइंट्स का मॉइस्चराइज़र आता है काफ़ी अच्छा उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल मॉइस्चराइज़र आपके स्किन को हाइड्रेट रखता है फ्रेश फील करवाता है और स्पेशली आपकी स्किन हेल्दी रहती है और आपको मॉइस्चराइज़र भी अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए एंड आफ्टर मॉइस्चराइजर यू हैव टू यूज़ सनस्क्रीन बिकॉज़ इट प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम यू वी रेज और ये आपको टैन होने से भी बचाता है तो यू वी रेज से बचने के लिए अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन इज मस्ट सो आई एम यूजिंग बायोटिक सनसील सैंडलवुड एस पी एफ फिफ्टी सनस्क्रीन इन अवर स्किन केयर रूटीन सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो यू वी रे से हमारी स्किन को हार्म होता है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है सनस्क्रीन तो हम जब भी बाहर जाएं चाहे सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो तो हमें सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करनी चाहिए और हम कहीं बाहर नहीं भी जा रहे हैं तो हमें घर में भी इसे यूज़ करनी चाहिए तो फॉर योर लिप्स यू हैव टू यूज़ अ लिप बाम अगर आपके लिप्स ड्राई हैं डार्क हैं आपको अपने लिप्स को ब्यूटीफुल एंड नरिश बनाना है तो यू मस्ट यूज़ अ लिप बाम एंड माई स्किन केयर रूटीन इज़ डन नाओ एंड या तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और अब मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय